सुनने के बाद उनको कहा था कि मैं ये फिल्म बना लूं, और प्रॉमिस करके फिर मैंने बाकी सुनी थी उनकी कहानी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस फिल्म को हम अंजाम दे सके हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज आपके सामने इसका ट्रेलर दिखाएंगे। फिल्म भी हमारी तैयार है, 4 अगस्त को हम सारी दुनिया को दिखा देंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओम पुरी जी का, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपना समझ के काम किया, और अपना समझना ही था क्योंकि उनकी पत्नी इसको डायरेक्ट कर रही थी, तो उनका पूरी तरह से मन इसमें लगा हुआ था। वो चाहते थे कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत बने और कहीं भी इसमें कोई तकलीफ ना आए। मुझे कई बार तो वो मेरे घर आ जाते थे कि भाई देखो, कोई भी सीमा को किसी का फ़ोन नहीं जाना चाहिए कि ये मुश्किल हुई, ये मुश्किल। मैंने कहा उनको फ़ोन नहीं जाएगा कोई, जो फ़ोन आएंगे सब मुझे आएंगे। और हमने कोई किसी तरह की इस फिल्म में मुश्किलात नहीं आने दी, बहुत प्यार से। और फिर साथ में हमारे अनु कपूर जी, वो इनके भाई, तो हर तरफ से इस फिल्म में हमको सपोर्ट जो है वो बिल्कुल घर जैसा मिला। रंजीत भाई साहब भी इसमें आ गए हमारा साथ देने के लिए, उन्होंने इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको बड़े खूबसूरत ढंग से अपने एक्सपीरियंस से उसको बनाया है, पेश किया है, जिससे कि इस फिल्म में एक उभार जो है बहुत खूबसूरत आ गया है, उभर के आ गई है फिल्म, और वो हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक से आती है, जो इन्होंने करके दिखाया है। बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। दिव्या जी तशरीफ लाइए, जोरदार तालियां। जयपुर से बहुत अच्छी गायिका तशरीफ लाई हैं मनीषा जी, इनके लिए तालियां। नताशा है, और भी कलाकार यहाँ सब आए हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। जूनियर्स एंटरटेनमेंट, हु इज डूइंग ऑल इंडिया रिलीज ऑफ आवर फिल्म। आई विनोद जी, आई विनोद जी, आप दो शब्द बोल दीजिए। अनूप जी ने बहुत सारी बातें बोल दी इस फिल्म के बारे में, तो पीछे तो कुछ रहा ही नहीं। फिर भी इस फिल्म को बनाने में हमने बहुत मेहनत की, और ये फिल्म कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इसमें एक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है, क्लास स्ट्रगल का, स्वच्छ भारत का। तो सीमा जी ने बहुत मेहनत की और एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई है, और हमारे कलाकार जो सारे हमारे कलाकार, पुरी साहब से लेके अनु कपूर जी, विनय पाठक जी, सारिका जी, ब्रजेन काला जी, इन्होंने ज़बरदस्त इसमें काम किया है, ये सब लोग एक्टिंग के हीरो हैं, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां। जोरदार तालियां सीमा जी के लिए। हम लोग थोड़ा वक्त बहुत कम है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों ने बोल ही दिया इसके मुतालिक, तो मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू मिस्टर अनूप जलोटा। नेक्स्ट आवर गेस्ट, तालियां एक बार कंटिन्यूस रखिए, गेस्ट हम सब अपने ही है। थैंक यू मैम, मैं चाहूंगी अब आप फेलिसिटेट कीजिए दिव्या दत्ता जी को, द वेरी वेरी प्रिटी दिव्या दत्ता, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिव्या जी, थैंक यू सो मच। Thank you, and Divyaji, you have a very, very lovely smile. And after that, calling someone who's not really very talented,
very good looking, very handsome. So let me have a pleasure to call Mr. Talat Aziz. For you. Thank you. And next I would like to call Mr. Bajendra Kala. Big round of applause. A very pretty, pretty heroine of our film. Please, once again, big round of applause for Kashish. Thank you so much. इशू तो नहीं ना रोल हाँ अनु जी डू यू गेट नॉस्टैल्जिक अगर होता भी हूँ नॉस्टैल्जिक तो थोड़ी देर के लिए और वर्तमान सामने आके खड़ा हो जाता है इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं कि नॉस्टैल्जिक हो के आनंद उठाने का समय नहीं है वैसे भी 62 साल का होने वाला हूँ सो अब जितने दिन भी बाकी रह गए उसमें ठीक से काम कर जाऊं बस यही है टीजर द प्रोमो इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग सर मतलब जिस तरह से कास्टिंग करी गई है बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है क्या ये आप सबके लिए आप सब डेडिकेट करते हैं ओम जी को ये फिल्म ये वेरी ऑब्वियस आई थिंक दिस इज ओम पुरीज लास्ट फिल्म और आप ओम पुरी से क्या रिश्ता है मेरा आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये फिल्म तो मुझे अनूप भाई और मेरी बहन के लिए सीमा के लिए करनी पड़ी हमारी एक ही बहन है हम तीन भाई हैं एक बहन है तो इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी और आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं रंजीत कपूर जी उन्होंने बैकग्राउंड किया है तो कहीं ना कहीं बहन को सपोर्ट करना बहन का साथ देना मेरी जगह अगर आप भी होते और आपकी बहन भी यही पूछती तो भाई वो कोई बड़ा आप समझ रहे हैं अभी भी हाँ वो तो है ही यार आप जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं आप सबकी बहनें हैं आज बहन आके कहेगी ये करना है आप क्या पूछोगे क्या उससे नहीं ना बस बात खत्म ओके उसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट फिल्म थी और साहब की यादें ताज़ा देखिए मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ मैंने अपने काम से काम मतलब रखा है उस मामले में बहुत प्रोफेशनल अपने काम करने के वक्त मैं बहुत ही अनुशासित हूँ बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और अगर मुझे कोई चीज़ जचती नहीं है तो बोल भी देता हूँ okay, डायरेक्टर साहिबा से क्योंकि बहन भी है क्या कुछ हुआ जो नहीं उसके तरह? मेरे बीच मेरी बहन ने तो समझ थी वो मुझे चुपके से आके बता देती थी कि मुझे शायद ये करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा पूरा देखिए मेरी बहन अपने आप में स्वयं सक्षम है उसको अपने भाइयों का मॉरल सपोर्ट चाहिए प्रेम चाहिए आशीर्वाद चाहिए उसको क्रिएटिव कोई हेल्प नहीं चाहिए ओके फिल्म को कितने थिएटर में रिलीज करने की प्लानिंग है वो अनूप भाई बता पाएंगे ओम छनगानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो बता पाएंगे मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन सुना है 500 प्रिंट तो रिलीज करेंगे शायद ओके सारिका जी भी हिस्सा है फिल्म का बहुत
मेरे ख्याल जो मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त के बाद उन्हें देख रहे हैं, और एक रैक पिकर का उनको यू नो कास्टिंग किस तरह से वो ऑन बोर्ड आई, वो थोड़ा सा आई थिंक सारिका इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, मेरा उनसे कोई वाकफियत है नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ, और वो मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, बस वो वाइफ का रोल प्ले किया, मुझे जो मेरी सिस्टर ने कहा वो मैंने प्ले कर दिया। शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, उनसे मेरी कोई ज़्यादा सानिध्य नहीं है, ना कोई मेरी उनसे कोई इतना ज़्यादा घनिष्ठता है। अनुज जी, आप अपने आप एक संग्रहालय हैं, दुनिया भर की बातें आप रेडियो पे बोलते हैं और आपको याद भी रहती है। अभी आपने एक अंदर एक बात का जिक्र किया परवीन भाभी को लेकर, वो जानना चाहूँगा मैं, आई वाज नॉट इनसाइड दो माय कैमरा वाज, जी जी स्टिल वांट टू नो, संग्रहालय अपने आप में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, बहुत रिसर्च है, बहुत शोध करना पड़ता है, और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से, वहीं से उठाते हैं उसको, क्रॉस चेक करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को, अगर वो स्टोरी रियल होती है, जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसको ही मैं अपनी भाषा में, आपने लिखा होता है अपनी भाषा में उसको, आपने लिखा होता है राइटिंग में, मुझे बोलना है वर्बल होके, मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, वो तो अरे आप सुनो, का जर्नलिज्म का किस्सा है पूरा का पूरा, लोगों ने देखा है वो किस्सा, ये त्रासदी है। अगर मैंने कहा ना, आप थे नहीं, मैं अगर उसको बोलूं कि वो हीरोइन सड़क पे आ गई अपने प्रेमी को मनाने के लिए, और सड़क पे आने के बाद उसने देखा कि वो स्टार्क नेकेड है या निर्वस्त्र है या वस्त्रहीन है, जब ये शब्द बोलूंगा तो वल्गर नहीं लगेंगे, लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा कि वो नंगी थी तो वल्गर लगेगा। इसका समझना उसी को आ सकता है जिसने भाषा का ज्ञान हो, जो उर्दू समझता हो, हिंदी समझता हो, अपने देश की भाषा समझता हो, अपने देश के मनस समझता हो, सिर्फ महानगर को नहीं समझता हो, आप समझे। तो ये आप लोगों ने जो लिखा है, मैं जैसे कह रहा था ना कि एक ज़माना था जर्नलिज्म के अंदर बहुत साहित्यकार लोग आया करते थे, ऐसे राइटर्स आया करते थे जिनका इंटेलेक्ट था। आज हमारे सामने ये चैतन्य खड़े हुए, इन्होंने पढ़ा है, ज्योति के स्टडी है, ऐसा नहीं कि उठ के किसी के बारे में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बात रिसर्च करेंगे, लिखने से पहले 10 बार सोचेंगे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन समय के साथ साथ समाज का पतन है तो पत्रकारिता का भी पतन हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। चलो सबसे पहले डू यू गेट नॉस्टैल्जिक समवेयर, यू नो फिल्म रिलीज है और एक जर्नी रही होगी इसकी, ओम जी इसका हिस्सा है, शायद ओम जी की शायद आखिरी फिल्म हुई, कितनी यादें ताज़ा होती है, डू यू गेट इमोशनल? कैसा सवाल है, ऐसा सवाल है, ऐसा यादें ताज़ा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, याद तो वो है ही, वो जो दर्द है और जो तकलीफ़ है वो तो है और रहेगी, अब ताज़िंदगी रहेगी, उसके लिए किसी चीज़ को देख के ज़रूरत नहीं होती, वो तो कांस्टेंट एक फीचर है लाइफ का। बाकी फिल्म के बारे में ये है कि सब लोगों ने बहुत प्यार और मेहनत से ये फिल्म बनाई है, और इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद ये फिल्म हम कंप्लीट कर सके, क्योंकि फिल्म शूट तो हो गई थी लेकिन इसकी एडिट मुझे बहुत भारी पड़ी, क्योंकि हर फ्रेम में पूरे साहब थे तो बहुत तकलीफ़ होती थी एडिट करने में, और उस पर त्रासदी ये है कि ये एक सटायर है और कॉमेडी है, तो आपको रुलाते हुए रोते हुए किसी को हंसाना है तो मुश्किल बहुत रही अभी तक की जर्नी। ओके, कास्टिंग की बात, सारिका जी भी हिस्सा है, सारिका जी किस किरदार में नजर आएगी, और यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन हर कैरेक्टर? सारिका जी इसमें बहुत ही डिफरेंट, अभी तक जिस तरह का उन्होंने नहीं किया है उस फिल्म में है, वो इसमें एक रैग पिकर बनी है, कचरा बीनने वाली बनी है, तो आप जानते ही हैं कचरा बीनने वाले किस तरह के लोग होते हैं, और उन्होंने इतनी मेहनत से, और जो मुझे विश्वास नहीं था कि वो इस तरह से कर पाएंगी, सुअरों और बहुत गंदगी थी वहाँ, कीचड़ था, उसमें वो नंगे पैर गई हैं, और जब मैं भी वहाँ पे दुपट्टा उपट्टा दाग पे बांध के गई हूँ, वहाँ पे सारिका जी जो हैं वो नंगे पैर उस कीचड़ में गई हैं, तो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है इस तरह की चीज़ें। ओके, ओम जी को
मिस्टर कबाड़ी, क्या ये श्रद्धांजलि है आपकी तरफ? वो तो उसमें थे ना, डेडिकेट करना चाहिए, जाहिर है वो किया है हमने। थैंक यू। अरुल अरुल ओम जी के साथ मेरा बहुत खूबसूरत एसोसिएशन रहा है। मैं लकी रही कि उनके साथ प्ले कर पाई, उनका थिएटर में कमबैक मेरे साथ था, तेरी अमृता प्ले हमने साथ मिला, तो बहुत वक्त साथ बिताया। फिर सीमा दीदी के साथ मेरे आई एम वेरी क्लोज टू हर, उनके साथ मैंने एक फिल्म की है हार्ट द वीकली बाजार, तो बहुत इमोशनल हूँ यहाँ पर आकर। और ओम जी आई थिंक आई डोंट हैव टू से एनीथिंग हैज़ बीन मैजिक फॉर अस। तो दोबारा मैंने इसके प्रोमोज देखे हैं अभी, एंड व्हाट डू आई से, इट्स जस्ट मिसिंग इट। दैट्स इट। मतलब कुछ ऐसे मेमोरेबल यादें हैं कि उनके साथ जो बुलाई नहीं भूली जाती हैं आप? और उनकी सबसे खूबसूरत बात थी कि वो जिससे भी मिलते थे उसे ऐसे मिलते थे जैसे उसे बहुत वक्त से जानते हैं, इतनी वार्मथ, इतना प्यार था, ऐसा नहीं लगता था कि वो स्टारडम अपने साथ लेकर चलते हैं। सो दैट आई थिंक आई विल ऑलवेज मिस। लास्ट सवाल है, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है मन्ना की यात्रा पे, टेरर अटैक हुआ है, तो आप किस नज़रिए से देखती हैं जो हमेशा जिस तरह से ये अटैक हुए जाते हैं, हमेशा रिलीजियस को टारगेट किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो टेरर है इनका भी धर्म है? आई थिंक सब जानते हैं और सब मानते हैं कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता। दिस इज जस्ट वेरी वेरी सैड, इट इज़ वेरी वेरी व्हाट डू आई से, इट इज़ शॉकिंग टू हियर समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं लगता ऐसे रिलीजन का नाम देना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर शुरू हो गया है और उसी वक्त में निकल गई। सो आई डोंट नो कहाँ से स्टोरी बनी है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और मेरा रोल बहुत अच्छा है, मतलब वाई वुड आई इवन, इट्स अ ग्रेट, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है बाबू मशाय करने का। और आप देखेंगे जब फिल्म तो यू नो योरसेल्फ, एंड आई थिंक आई बीन हियर इनफ टू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सीन्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुप जी। सबसे पहला सवाल क्या है, श्रद्धांजलि है ओम पुरी जी की, ये आखिरी फिल्म है। उन्होंने बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है क्योंकि उसकी डायरेक्टर उनकी वाइफ थी, जब उनकी वाइफ डायरेक्ट कर रही हैं और सीमा जी के भाई अनु कपूर उसमें एक्टर हैं, ओम पुरी जी खुद एक्टर हैं, तो सब मिला के उन्होंने इस फिल्म को बहुत आशीर्वाद दिया। लखनऊ में जब हम शूट कर रहे थे तो एक एक चीज़ पे वो ध्यान देते थे, सिर्फ यही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बाकी चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखते थे। तो इस फिल्म से हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि इसमें बड़ा ह्यूमर है, फिल्म में हंसी मजाक है, फिल्म में स्वच्छ भारत की एक कल्पना है, तो सारा कुछ मिला के बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। मुझे विश्वास है कि लोग इसका मजा लेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा ना साधना, यू नो सारिका जैसी एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा है, ओम जी खुद इस हिस्सा है? सारिका तो मझी हुई आर्टिस्ट हैं, विनय पाठक हैं, ओम पुरी जी हैं, तो ये लोग सब गाला जी हैं, तो ये लोग तो सब बड़े आर्टिस्ट हैं और जो काम ये करते हैं सूझबूझ का काम करते हैं, अच्छा करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम चीज़ पेश कर रहे हैं उसका लोग मजा लेंगे। बिल्कुल हो जाते हैं, जब ओम जी की याद आती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त रहे हैं बहुत पहले से और उनके साथ बहुत समय गुजारा है, हमारे घर आ जाया करते थे, किचन में अंदर चले जाते थे, क्या खाना है खुद बनाने लगते थे, कुक को समझाने लगते थे, तो ये सब चीज़ें जो उनकी आत्मीयता थी वो भूलना मुश्किल है। ये डेडिकेट, ये फिल्म आपने डेडिकेट कर दी? बिल्कुल किया है, उनके ही श्रद्धांजलि में हम ये फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके द वेरी
please tell us something about yourself before we, you know, ask you something more. I'm from Delhi and I've been living in Bombay now. So that I'm just doing acting, I've done doing ads and everything. So Mr. Kabaddi ka hissa kaise bane? Because Anoop uncle, he's there, and Seema ji hai, so sabko, I think they're like family, so that way. She's a very, my name is Shelly in the film, and she's a very cute girl, and Vijendra ji ki daughter play kar rahi hu main. So she falls in love with the son of the Kabaddi family. So that's how the whole thing starts कि कैसे ये दोनों को मिलते हैं और वो जो सब कुछ होता है फिल्म के अंदर तो क्या क्या होता है उसके बाद. ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा है, सारिका जी, अन्नू कपूर साहब, विनय पाठक, क्या सीखने को मिला? कितना कुछ सीखने को मिला मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ काम करना, वेटरन एक्टर्स के साथ काम करना इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी फर्स्ट फिल्म में. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अनफॉर्चुनेटली ओमपुरी जी नहीं है, व्हाट अ जनरस मैन ही वाज, बट आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, हाउ हम्बल दे आर एंड हाउ दे एक्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट. ओके, डू यू डेड, यू नो एवरीवन इज हियर हु केम, दे आर डेडिकेटिंग द फिल्म टू ओमपुरी जी, व्हाट्स योर राइट, व्हाट्स योर टेक, यू पीपल, एवरीवन इज डेडिकेटिंग द फिल्म टू ओमपुरी जी, श्रद्धांजलि बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बिकॉज वो तो मतलब उनका होना फिल्म के अंदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बिकॉज ही इज़ बीन सो गुड, एंड उनका जो रोल है फिल्म में, जो उन्होंने पूरा नरेट किया है पूरी फिल्म को, तो आई थिंक उनकी वजह से फिल्म में पूरा चार चांद लग गए एक तरह से. थैंक यू सो मच. I would love to work with I think all the actors. They are like, but one of my favorite is Salman Khan and Ranbir Kapoor. I think they are my favorite. Thank you so much. Vijay, Vijay, bol. Yeah.